हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आखिरकार T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला आ गया, जो कि 26 दिनों का रोमांचक, नर्वस और टफ क्रिकेट के बाद, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, हम टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पहुंच गए। या कह सकते हैं कि टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीमें, जो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका, फाइनल में पहुंच गए। दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजय रही, वर्ल्ड कप ट्रॉफी से बस एक कदम के दूर पे। एक तब जो कि एडम मक्रम की कप्तानी वाली पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही है साउथ अफ्रीका, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा की भारतीय टीम है। दोनों ही टीम अब तक टूर्नामेंट में अजय रही है। तो आइए बात करते हैं फाइनल मुकाबले, जिसमें अफ्रीका भारत आमने सामने होंगे। यह मैच 29 जून 2024 को किंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय से और रात के 8 बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम में नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट धीमा हो जाता है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलती है, जो कि मिडिल ओवरों में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। दूसरी ओर सीम बॉलर पिच पर प्रदान की जाने वाली उछाल और पास गति का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 41% जीतने का चांस है। अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 152 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 133 है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग इंडिया 5 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका भी 5 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी इंडिया का, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में गजब का खेल खेला है, हर बड़ी टीम को हराया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर पिछली बार का बदला ले लिया। भारत की बल्लेबाजी हमेशा उसकी ताकत रही है, विराट कोहली जैसे कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर उनके बैट असिस्ट टूर्नामेंट में तहलका मचा दिए। टीम इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपनिंग है, जो कि रोहित विराट के साथ में ओपनिंग कर रहे हैं। विराट अब तक बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, कोहली को नंबर 3 पे उतारा भी जा सकता है। लास्ट गेम में रोहित शर्मा ने 57 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, इस मैच में उनको ऐसे ही स्टार्ट करना होगा। रोहित ने अब तक 248 रन बनाकर टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। नंबर 3 पर जो कि ऋषभ पंत उतर रहे हैं और 171 रन अब तक बनाए। फिर सूर्यकुमार यादव, जो कि 7 इनिंग में 196 रन बनाए। सूर्या का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड भी रहा, उन्होंने 68 की औसत से और 128 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 6 इनिंग में 343 रन बनाए हुए। शिवम दुबे, जो कि अब तक बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे, उन्हें इस मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। फिनिशिंग आपको हार्दिक पांड्या, जो कि 5 इनिंग में 139 रन बना चुके। रविंद्र जडेजा भी आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे। बॉलिंग में सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब तक 2 पेसर और 3 स्पिनर के साथ खेल रही है। बुमराह ने 7 इनिंग में 4.12 की शानदार इकोनॉमिक से 13 विकेट लिए हैं। शुरुआत में आपको डेथ ओवर उनके 2 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे। हर्षदीप इस विश्व कप में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है, जो कि 7.50 की औसत से 7 इनिंग में 15 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 6 मैच में 8 विकेट लिए। भारत का स्पिन अटैक इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा। दक्षिण अफ्रीका के बैटर स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी नहीं माने जाते, भारत के कुलदीप यादव बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने 4 इनिंग में 5.87 की औसत से 10 विकेट लिए हैं, वह बीच के ओवर में कहर बरपा सकते हैं। वहीं पर अक्षर पटेल, जो कि टाइटल लाइन से बॉलिंग भी कर रहे हैं, पावर प्ले में विकेट भी ले सकते हैं। सेमीफाइनल में 3 में 23 के शानदार स्पेल के साथ वो प्ले ऑफ द मैच भी रहे। रविंद्र जडेजा इस टूर्नामेंट में मांगे रहे, दक्षिण अफ्रीका के बैटर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली है, सूर्यकुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल, हर्षदीप सिंह है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी साउथ अफ्रीका का, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। साउथ अफ्रीका अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। अब यहां से टीम की नज़र खिताब उठाने पे, मार्केम टीम ने टूर्नामेंट में 7 लगातार जीत कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को एक तरफा हराया। टीम ने अफगानिस्तान को 56 पे ही ऑल आउट कर दिया। टीम अब तक टूर्नामेंट में अनबीटन है। डीकॉक उनके सबसे बेहतरीन बैटर हैं, जिन्होंने 8 इनिंग में 144 के स्ट्राइक रेट से 204 बनाए। इस बैटर का भारत के खिलाफ T20 में शानदार रिकॉर्ड भी है। 9 इनिंग में 44 की औसत से 140 के स्ट्राइक रेट से
312 रन बनाए। टीम की कमजोरी उसकी बैटिंग रही है, अब तक टीम हर मैच में लो स्कोर कर रही है। रिजा हैंड्रिक्स और क्वांटे डिको जो कि ओपनिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पर जो कप्तान माक्रम खेल रहे हैं। भारत के गेंदबाजों जिन बैटर्स से सावधान होना होगा वो हेनरी क्लासन और डेविड मिलर, ये दोनों गेंद को साफ साफ हिट करते हैं, भारत के स्पिनरों का सामना कर सकते हैं। वास्तव में वे भारत स्पिनरों के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस करता है यह मैच का फैसला कर सकता है। लो ऑर्डर में टिस्टन स्टप जो कि लगातार इफेक्टिव इनिंग खेल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका को इतना खतरनाक बनाने वाले उनका शक्तिशाली बॉलिंग अटैक है। मार्को जेनसन, कसिगो रबारा, एनजिस नॉर्जे जो कि घातक बॉलर है जिन्होंने इस विश्व कप में मिलकर 31 विकेट लिए हैं, अगर विकेट में कुछ बाउंस हो तो वो किसी भी बैटिंग यूनिट को ध्वस्त कर सकते हैं। फिर केशव महाराज, तबरेज शमसी भी स्पिन की जोड़ी है जो बीच ओवर में कुछ विकेट निकाल सकते हैं। कसिगो रबारा ने अब तक 12 विकेट लिए हैं तो वहीं नॉर्जे ने 13 विकेट के साथ टॉप पे स्टेबल है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो क्वांटे डिकॉक है, रिजा हैंड्रिक्स है, एडम मक्काम है, हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, टिस्टन स्टब्स है, मार्को जॉनसन है, तबरेज शमसी, एनिस नॉर्जी है, केशव महाराज है, कसिगो रबारा है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं जो कि हेनरी क्लासन है, क्वांटे डिकॉक है, मार्को जॉनसन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। दोनों ही टीम की असली ताकत उसके बॉलर्स है, सभी बॉलर्स अब तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में और टीम को भी जीता है। अफ्रीका के पास भी कुछ अच्छे स्पिनर भी है, इस मैच में सबकी फेवरेट भारत ही, हालांकि अफ्रीका ने टूर्नामेंट अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, मैच रोमांचक काटेगा हो सकता है। भारत यहाँ जीत कर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप को जीतना चाहिए। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें और टीम स्क्वाड को देखते हो, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया आगे चल रही है, यहाँ पे इंडिया फाइनल कप भी उठा कर लेकर जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बनाए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।